हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है हेयर एक्सटेंशन। मतलब इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, हर जगह बस हेयर एक्सटेंशन और हेयर एक्सटेंशन। मतलब सभी को लंबे बाल चाहिए, सभी को घने बाल चाहिए। तो मैं क्यों पीछे हटूँ, मैंने भी हेयर एक्सटेंशन करवा लिए हैं। एज यू कैन सी, ये जो बाल देख रहे हो, इट्स नॉट माई रियल हेयर, ये हेयर एक्सटेंशन है, बट ये क्लिप ऑन हेयर एक्सटेंशन है, ये कोई परमानेंट हेयर एक्सटेंशन नहीं है। सो क्लिप ऑन हेयर एक्सटेंशन के बारे में आज मैं इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाली हूँ। प्लस क्लिप ऑन हेयर एक्सटेंशन को कैसे लगाना है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी, बिकॉज लगाना भी आना चाहिए, अदरवाइज अच्छा लुक नहीं आएगा। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को जरूर एंड तक देखना अगर आपको ऐसे लंबे एंड घने बाल चाहिए। तो चलो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो गाइस, पहले तो मैं ये बता दूं जिनको नहीं पता कि हेयर एक्सटेंशन क्या है। तो गाइस, अगर आपकी हेयर छोटी है, ठीक है, शॉर्ट है, और आप चाहते हो कि आप अपने हेयर को लंबा करो, लाइक कमर तक या घुटने तक करना चाहते हो, तो देखो एक दिन में तो लंबा हो नहीं सकता, ठीक है, उसको एक साल लग जाते हैं। लेकिन अगर आप इंस्टेंटली लंबे बाल चाहते हो तो आप हेयर एक्सटेंशन करवा सकते हो। हेयर एक्सटेंशन से आपके हेयर जो है लंबे भी हो जाते हैं, प्लस घने भी होते हैं। और मार्केट में किसी भी सलून में चले जाओ, जो हेयर एक्सटेंशन वहाँ पे परमानेंटली होती है, उसकी प्राइस स्टार्ट होती है 10,000 रुपए से। मतलब 10,000 रुपए में भी आपको इतनी इतनी लेंथ मिलेगी, और अगर आपको बहुत लेंथ करना है तो 30,000 to 40,000 आराम से लग जाएगा। बट गाइस, अब वो करवाने के लिए ये भी चाहिए, बट अभी हम इतने पैसे नहीं खर्च करने वाले, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सिर्फ और सिर्फ 300 रुपीज से हेयर एक्सटेंशन। और ये दोनों ही, दो हेयर एक्सटेंशन है, दोनों ही मैंने लिया है अमेजोन से। एंड गाइस, अभी अमेजोन पे चल रहा है रिपब्लिक डे सेल, तो गाइस ये जो एक्सटेंशन है आपको और भी कम प्राइस में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको वो हेयर एक्सटेंशन दिखाने वाली हूँ जो कि आज मैंने अपने हेयर पे लगाया हुआ है। सो गाइस, मुझे नहीं लगता कोई भी बता पाएगा कि मैंने हेयर एक्सटेंशन लगाए हैं। रियल हेयर मेरे पीछे हैं और ये वाले मेरे सारे एक्सटेंशन हैं, ठीक है, और जिसमें थोड़े से मेरे खुद के भी बाल हैं, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी गंजी हूँ, थोड़े से मेरे खुद के भी बाल हैं, बट मैक्सिमम यहाँ पे हेयर एक्सटेंशन ही है। सो जो फर्स्ट हेयर एक्सटेंशन मैंने लिया है, विच इज दिस वन, तो आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का है, बहुत ही सॉफ्ट है इसकी फैब्रिक, ये सिंथेटिक हेयर है, ठीक है। पहले मैं बता दूं, सबको लगेगा, शायद लग सकता है कि ये ह्यूमन हेयर है, तो गाइस ह्यूमन हेयर इतने सस्ते प्राइस में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये जो है ना कर्ली प्लस वेवी हेयर के लिए है। सो मेरा जो नेचुरल हेयर है वो है वेवी हेयर, और थोड़े से रफ भी है, तो थोड़ा बहुत अभी अलग दिख रहा है, बट ये जो है ना बिल्कुल सिल्की है, जैसे हम रिबॉन्डिंग करवाते हैं ना या स्मूदिंग करवाते हैं उसके बाद जैसे बाल होते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा है, इतना सॉफ्ट क्वालिटी है। अब हम बात करते हैं कि हम इस हेयर एक्सटेंशन को अपने बालों में कैसे लगाएंगे। सो गाइस, ऐसे ना आपको क्लिप्स मिलते हैं हेयर एक्सटेंशन में, ऐसे देखो आपको ऐसे क्लिप्स मिलते हैं। सो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस हेयर एक्सटेंशन को ना ऐसे आपको क्लिप्स को ओपन करना है, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, सपोज मैं यहां पे लगाऊंगी तो इधर मेरे को सारे जो तीन इधर क्लिप्स है ना यहाँ पे ऐसे मुझे लगाना होगा, एंड मुझे ऐसे बंद करना होगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे मेरे जो है बाल एक्स्ट्रा एक्सटेंशन लग गए हैं। अभी आपको ये पता चलेगा क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लिप्स लगाए हुए हैं, बट अगर मैं बीच में से ऐसे पार्टिंग कर लूँगी एंड साइड में ऐसे दो करूँगी तो ये पूरा मेरा छुप जाएगा, ठीक है, जैसे कि अभी मैंने अपना सारा कुछ छुपाया हुआ है। ओके गाइस, तो बात तो कर ली कि आपको हेयर एक्सटेंशन लगाने कैसे हैं, अब हम बात करते हैं कि इसमें आपको कितने ऐसे स्ट्रैंड्स मिलेंगे। तो इसमें आपको 6 पीसेस के हेयर एक्सटेंशन मिलते हैं, 6 पीसेस मिलेंगे। अभी दोनों मैंने बालों में लगाए हुए हैं और यहाँ पे आपको 4 दिख रहे होंगे, अभी 4 है, ठीक है। और ये मैंने कलर लिया था नेचुरल ब्लैक, बट इसमें डीप ब्राउन कलर भी है, तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे आपके हेयर का कलर है आप उस अकॉर्डिंग भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने हेयर एक्सटेंशन। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो गाइस इसकी प्राइस है 599 समथिंग, कुछ 600 रुपये के आपके 6 स्ट्रैंड्स मिलते हैं ऐसे लंबे लंबे। और ये वाला मैंने इसलिए लिया है बिकॉज मुझे लेंथ नहीं चाहिए थी, मेरी बालों की लेंथ ऑलरेडी अच्छी है, मैं चाहती थी कि मेरे जो बाल है थोड़े से वॉल्यूमिनस दिखे और थोड़े से थिक दिखे। और गाइस ये वाला जो हेयर एक्सटेंशन है इसको आप वॉश कर सकते हो, इसको आप हीट स्टाइल कर सकते हो, आप कर्ल कर सकते हो, आप चाहो तो इसको ऐसे स्ट्रेट भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, आप ब्लो ड्राई कर सकते हो, आप इसको कोम्ब कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है आप वो कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। मतलब 600 रुपये की है तो क्वालिटी भी वैसे ही दे रहे, लाइक उससे बेटर दे रहे प्राइस के अकॉर्डिंग। सो ये वाला हेयर एक्सटेंशन तो गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ अगर आप हेयर एक्सटेंशन देख रहे हो कम प्राइस।
प्राइस में। ओके गाइस, तो अब जो मैं आपको हेयर एक्सटेंशन दिखाने वाली हूँ वो आपके बालों के लेंथ के लिए है, वॉल्यूम के लिए नहीं है। अगर आपको लंबे बाल चाहिए तो आप ये वाला हेयर एक्सटेंशन ट्राई कर सकते हो। सो नेक्स्ट जो मेरे पास हेयर एक्सटेंशन है वो है ये वाला, और आप ये देख सकते हो काफी लंबा और स्ट्रेट है, एकदम ब्लैक कलर है। ये मेरे बालों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है, बिकॉज ये मैंने अपनी मॉम के लिए लिया था, इसलिए उनके हेयर बिल्कुल ब्लैक है, तो उनके हेयर के मैचिंग का मैंने ये वाला लिया है। एंड ये एकदम ऐसा फील आएगा कि आपने रिबॉन्डिंग कर रखी है। अगेन ये सिंथेटिक फैब्रिक का ही है, इसमें आपको कुछ ऐसे क्लिप्स मिल जाएंगे, अगेन जैसे नॉर्मल हेयर एक्सटेंशन में क्लिप्स होते हैं वैसे यहाँ पे क्लिप्स है। आपको इसको ऐसे खोलना है, ओपन करना है, अपने बाल में टक करना है एंड देन जस्ट क्लोज कर दो, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लेंथ पे, मतलब पीछे आप लगा सकते हो, आप सामने नहीं लगा सकते, मतलब सामने तो पॉसिबल भी नहीं है, तो आप इसको सिर्फ और सिर्फ पीछे लगा सकते हो। और अंदर आपको इस तरीके से नेट भी मिल जाता है जिससे कि बाल खराब ना हो। और इसकी प्राइस, मतलब अगर आपको बोलूंगी ना इसकी प्राइस, आप बोलोगे कि प्रिया मतलब कहाँ से आ गया ये, मतलब मुझे भी लगा था यार इतना सस्ता कैसे हो सकता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज का है। और अगर क्वालिटी की बात करें इस वाले हेयर की और ये वाले हेयर की, तो ये वाला बहुत बेटर है। मतलब ये महंगा है, 600 रुपये का है, बट आप इसको हाथ में लेके ना फील कर सकते हो कि आपको नेचुरल हेयर वाली फील आएगी। ये आप टच करोगे तो एकदम आपको सिंथेटिक वाली फीलिंग आएगी। इसको लगाने के बाद मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। लाइक जो परमानेंट वाले हेयर एक्सटेंशन होते हैं ना, उसमें आपको पता ही होगा कि सोने में दिक्कत होती है, आप बाल नहीं बांध सकते, मतलब बाल बांध सकते हो बट दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, वॉश करना है एंड उसका केयर भी बहुत करना होता है। बट इसमें कुछ नहीं करना होता, जब मर्जी आप लगाओ, जब मर्जी आप उतार दो, जैसे रखना है आप इसको रखो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर खराब भी हो जाए तो ज्यादा पैसे के कुछ लॉस भी नहीं होता, उसमें तो आपके बिल्कुल 10-10, 20-20 हज़ार रुपए जाते हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 200-300-400 रुपए में हेयर एक्सटेंशन मिल जाते हैं, विच इज ग्रेट, विच इज अमेजिंग। और इसको अगर आप अच्छे से रखते हो तो 6 महीने चलेगा, अदरवाइज ये लास्ट 3 महीने तक ही लास्ट करेगा, कि ये ह्यूमन हेयर नहीं है, सिंथेटिक फैब्रिक है, तो 3-4 महीने से ज्यादा मुझे नहीं लगता ये टिकेगा। बट अगर ज्यादा टिक गया तो बिल्कुल और भी पैसा वसूल हो जाएगा आपका। बट एनीवेज बहुत अच्छा है। मैं दोनों के ही लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट कर लेना। एक सिंगल लिंक होगा माय हॉल स्टोर के नाम से, वहां पे आपको ये दोनों ही एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। तो चलो गाइस, इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, एंड जरूर मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ इन बालों में, इन फेक हेयर में, और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो गाइस प्लीज लाइक कर दो। अगर आपको ऐसे ही और भी वीडियोज देखना है, हेयर एक्सटेंशन पे देखना है, तो वो भी मुझे बताओ, तो मैं और भी हेयर एक्सटेंशन परचेज करूंगी, मैं आपको रिव्यू दूंगी उसका, तो वो भी मुझे जरूर बताना। एंड या टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड आई विल सी माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।